एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये, सूर्यालोकित पथ। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, सभी के परिवारों में होते हैं, उनके लिए क्या लिखा हुआ है इस पुस्तक में, वो मैं पढ़कर के आपको सुनाना चाहूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें पाठशाला भेजा जाता है और तुमसे जो कसरत करवाई जाती है, यह सब तुम्हें तंग करने के लिए? नहीं, यह इसलिए कि तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम्हारे पास एक ऐसा ढांचा हो जिसमें तुम अपने आप को आकार देना सीख सको। अगर तुम व्यष्टिकरण का पूर्ण निर्माण का काम अपने आप अकेले एक कोने में करो तो तुमसे कोई मांग न की जाएगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करते। एक भी बच्चा नहीं जो ऐसा करे, उसे यह मालूम तक नहीं होगा कि यह कैसे किया जाए, कहां से शुरू किया जाए। अगर तुम किसी बच्चे को जीना नहीं सिखाओगे तो वो जी भी ना सकेगा, वो कुछ भी करना न जानेगा, कुछ नहीं। अगर व्यक्तित्व की संरचना के लिए हर एक को सारी अनुभूति दोहरानी पड़े तो जीना शुरू करने से बहुत पहले ही मर चुका होगा। यही उन लोगों का लाभ है जिन्हें सदियों से इकट्ठा की गई अनुभूतियां प्राप्त हैं, और जो तुमसे कहते हैं अच्छा, तो अगर तुम जल्दी जानना चाहते हो, कुछ ही वर्षों में जानना चाहते हो कि जिसे सीखने में सदियां लग गई हो, तो ऐसा करो, पढ़ो, सीखो, अध्ययन करो, और फिर भौतिक क्षेत्र में तुम्हें इस चीज को इस प्रकार से, उसको उस तरह से, और तीसरी को तीसरी तरह से करना सिखाया जाएगा। एक बार तुम थोड़ा सा जान लो, फिर यदि तुम्हारे अंदर प्रतिभा होगी तो तुम अपनी पद्धति ढूंढ सकोगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखना होगा। अपने आप सीखना बहुत कठिन है, सबके लिए यही बात है, अपने आप को गढ़ना होगा, और इसीलिए शिक्षा की जरूरत होती है, ये लिखा हुआ इसमें। और यहां पर योगिक शिक्षा की भी बात है, और स्कूलिंग जो होती है, स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उसकी भी बात है, और जिंदगी की भी बात है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।